नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? आज यहाँ पे बहुत अच्छी बारिश हो रही है देहरादून में। मैं 12 को आई हूँ और 12 के बाद से तो मैं अभी देख रही हूँ यहाँ पे बारिश, बहुत ज़्यादा अच्छी बारिश है। मौसम वैसे भी यहाँ पे ठंडा, अगर बारिश ना भी हो तो भी बहुत ठंडा है। ये देखिए, मुझे ऐसा लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए आप लोगों से, तो इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि देखिए कितनी अच्छी मौसम। मतलब अभी इस समय शाम के 4 साढ़े 4 बजे हैं और अंधेरा अंधेरा सा होने लग गया है बारिश के उससे। अभी थोड़ी देर पहले ओले भी गिरे हैं बहुत। और ये देखिए, फैन भी यहाँ पे एक नंबर पे चलता है। मतलब कूलर चलाने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है, इतना अच्छा मौसम है। और जहाँ मेरा ससुराल है चंडीगढ़, जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पे बहुत गर्मी है। वहाँ पे मतलब 48-49 ऐसा टेम्परेचर रहता है। तो वहाँ तो हम 24 आवर्स चलाते हैं कूलर। यहाँ देखिए कितना अच्छा मौसम है, कितना ठंडा ठंडा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये देखिए, ऐसे मौसम में तो गरम गरम चाय और पकोड़े ये सब खाने का मन करता है ना? तो आज यही बनाएंगे, ठीक है? तो चलिए चलते हैं गरम गरम चाय बनाने के लिए और पकोड़े बनाने के लिए। तो ये देखिए, हम आइए अब हम बनाते हैं आलू की और प्याज की पकौड़ियाँ, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश का मौसम है। सबसे पहले हम ये लेंगे, बेसन लेंगे, ये ले लिया है। इसमें हम सबसे पहले हींग डाल देते हैं, हींग डालना ज़रूरी होती है। ये डाल दीजिए, ऑप्शनल है, आप चाहे तो आप डाल सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा अजवाइन ले लिया है। अजवाइन को आप इस तरीके से मैश कर लीजिएगा, मैश करेंगे स्वाद उतना अच्छा आता है। आप इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं, कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। मेरे पास अभी इस समय अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए मैं नहीं डालूंगी। अब आइए, थोड़ा सा मैं इसमें जीरा डाल देती हूँ, क्योंकि मैंने अभी जीरा पाउडर नहीं बना रखा है। मैं जीरा डाल देती हूँ। अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं। आइए मसाले डाल देते हैं। आज भी मैं गरम मसाले का यूज़ नहीं करूँगी। ये मैंने नमक लिया है, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। ये लाल मिर्च पाउडर लिया है मैंने, 1/4 मैंने TSP हल्दी पाउडर लिया है और थोड़ा सा मैं धनिया पाउडर ले रही हूँ। ये पानी से हम घोल बनाएंगे। घोल हम इस तरीके से बनाएंगे कि बिल्कुल लम्स नहीं आने चाहिए। आज मौसम बहुत ठंडा हो गया, इसलिए मुझे खांसी भी लग गई है। यहाँ का मौसम बहुत ठंडा है मेरे ससुराल के मौसम के अकॉर्डिंग। इसको अच्छे से फेंटना है आपने, जितना फेंटेंगे उतनी पकौड़ी आपकी अच्छी बनेगी। आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बेसन घोल दिया है, बिल्कुल स्मूथ हो चुका है बेसन। इस तरीके से होना चाहिए आपका बेसन। प्याज लिया है मैंने, मैंने 2 बड़े प्याज लिए हैं और एक हरी मिर्च ली है। मैं बैंगन की भी बना रही हूँ और आलू लिए हैं मैंने। आलू मैंने पानी में भिगा के रख दिए, क्योंकि अगर हम पानी में नहीं भिगाते तो इसमें काला कालापन आ जाता है, तो ये मैंने भिगा के रख दिया। तेल मैंने यहाँ पे ऑलरेडी गरम कर लिया है, मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। सरसों के तेल में बहुत अच्छी स्वादिष्ट बनती है, तो ये मैंने गरम कर चुकी हूँ मैं। अब मैं इसको सिम कर देती हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें प्याज की डालती हूँ, मैश कर लेते हैं इसको। प्याज की बना लेते हैं हम पहले। ये प्याज की डाल दी हमने, थोड़े हमने बैंगन भी डाल दिए हैं, थोड़े हमने इसमें आलू के भी डाल दिए हैं, ये देखिए। और इधर देखिए, मैंने चाय भी बना दी है इधर।
ये चाय भी मैंने रेडी कर दी है, तो आज के मौसम का पूरा मज़ा लेंगे हम। ये देखिए, इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और अब हम वन बाय वन इसको तलेंगे। आँच आप एकदम कम कर लीजिएगा। इसमें मैंने हींग भी डाली है, तो हींग से मतलब सही रहता है, डाइजेस्ट हो जाती है अच्छे से। मैं पहले बैंगन की बना देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने प्लेटिंग भी कर दी है। ये हमारे गर्मा गर्म पकौड़े तैयार हो चुके हैं। ये है बैंगन के, इसमें है प्याज के और आलू के, ये मैंने टमाटर सॉस रख दिया है, और ये गर्मा गर्म चाय भी रेडी हो चुकी है। और ये चाट मसाला है, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे चाट मसाला, उससे हमारा उससे स्वाद भी और भी अच्छा आ जाएगा। थोड़ा सा चाट मसाला डाल देते हैं। ये देखिए, तो ये हमारे आज के बरसात के पकोड़े तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है। और थैंक यू सो मच।